तो करें स्टार्ट। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का समझा दो भैया कैसे को नए एपिसोड में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसकी चर्चाएं तो यार इन दिनों व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से लेकर फेसबुक कोचिंग सेंटर के गलियारों में बहुत ज्यादा हो रही है। इससे रिलेटेड आपको बहुत सारी यार इन्फॉर्मेशन व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड हो रही है। तो सीधा सा मैं आपको बता दूं कि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो यार पुराने जमाने में लकड़ी के जो शटर वाले टीवी चला करते थे ब्लैक एंड व्हाइट, जो 1940 से 1990 के बीच में ब्लैक एंड व्हाइट लकड़ी के शटर वाले टीवी चला करते थे, उनमें दोस्तों एक रेड कलर की ट्यूब पाई जाती थी जिसमें रेड मर्करी पाई जाती थी। तो दोस्तों क्या आपको पता है कि अब इन दिनों में उस रेड मर्करी की जो कीमत है, जो प्राइस है, वो अब 5 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक पहुंच चुकी है। और वो यार रेड मर्करी इन यार पुराने लकड़ी के शटर वाले टीवियों के अलावा और किन किन चीजों में मिलती है, उनका आखिर में क्या काम आता है, और लोग इन दिनों उन्हें यार बहुत ज्यादा क्यों खरीद रहे हैं, क्यों बेच रहे हैं, और इसकी एक्चुअल प्राइस क्या है, और अगर वो रेड मर्करी आपके घर में ही मौजूद किसी पुराने आइटम में मौजूद है तो आप उसको बेचकर किस तरीके से अमीर आदमी बन सकते हैं, करोड़पति बन सकते हैं, तो वही आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। तो अगर कोई न्यू व्यूअर इस वीडियो को देख रहा है ना, तो यार देखते समय आधा अधूरा काम मत किया करें, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में जो नोटिफिकेशन की बेल आइकन निकल के आई है ना उसको भी प्रेस कर दीजिए। तो विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम अब सीधे समझ ही लेते हैं। तो दोस्तों यार इन दिनों जो रेड मर्करी है वो सुर्खियों में कैसे आ गई, और लोग आखिरकार उसको इतना ज्यादा क्यों खरीद रहे हैं, क्यों बेच रहे हैं, और उसकी जो प्राइस है वो यार 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में क्यों है, ये सभी पॉइंट को अपन क्लियर करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये भी बताऊंगा जो ये रेड मर्करी है वो आखिर काम किस में आती है, और जो ये रेड मर्करी है वो आपको अब कहां कहां मिल सकती है। जैसा मैंने आपको पहले बता ही दिया था कि जो पुराने जमाने में 1960 से 1990 के बीच में जो लकड़ी के शटर वाले ब्लैक एंड व्हाइट टीवी चला करते थे उनमें एक रेड कलर की ट्यूब पाई जाती थी जिसमें ये रेड मर्करी मिलती थी। अगर वो आपके घर में लकड़ी के शटर वाला टीवी नहीं है तो अब वो आपको किन किन चीजों में मिल सकती है जो कि आपके घर में ही मौजूद है, वही आज के इस वीडियो में मैं आपको पहले बताऊंगा। तो दोस्तों पॉइंट नंबर 1 को पहले क्लियर कर लेते हैं जो है कि यार रेड मर्करी आखिरकार काम किस में आती है। तो दोस्तों देखो मैंने बहुत सारी रिसर्च की इसके लिए, गूगल पे भी बहुत सारे ब्लॉग्स पढ़े, आर्टिकल्स पढ़े, अलग अलग न्यूज़ पोर्टल पे जाके इसके बारे में रिसर्च करी, यूट्यूब पे भी कुछ कुछ इसके बारे में वीडियोस हैं तो उन वीडियोस को भी मैंने पूरा देखा। तो इनके बाद जो मेरा जो मेन डेटा निकल के आया है वो मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों जो रेड मर्करी होती है उसका जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है वो होता है ब्लैक मैजिक में, यानी कि काले जादू में। ऐसा माना जाता है कि यार जो काला जादू होता है उसमें जो रेड मर्करी होती है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है। और दोस्तों जब मैं रिसर्च कर रहा था तो मैंने अपनी रिसर्च में ये भी पाया कि ये जो रेड मर्करी होता है उसका उपयोग यार पुराने ज़माने में मिस्र में ममीज़ को रेडी करने में किया जाता था। यानी जब ममीज़ को रेडी किया जाता था तो इस रेड मर्करी का भी उस पूरे प्रोसेस के दौरान यूज किया जाता था। और इसके अलावा दोस्तों मैंने बहुत सारे वीडियोस में ये भी देखा था कि जो रेड मर्करी होता है उसका प्रयोग या उसका उपयोग न्यूक्लियर वेपन बनाने में किया जाता है, यानी कि इसका उपयोग बॉम्ब बनाने में किया जाता है। लेकिन इसका कोई मुझे पुख्ता सबूत नहीं मिला, और जो भी मैंने वीडियोस देखे वो कोई यार बड़े चैनल्स पे नहीं थे, तो ऐसे कुछ वीडियोस में मुझे पता लगा कि इसका उपयोग बॉम्ब या फिर न्यूक्लियर वेपन बनाने में प्रयोग किया जाता। अब यार ये बात सच भी हो सकती है या नहीं भी, मेरे हिसाब से तो शायद हो भी सकती है यार। अब तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं जो कि ये कि यार जो ये रेड मर्करी होता है वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में भी यूज किया जाता था। वो कब, 1960 से 1970 या 80 या फिर 90 के बीच में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स मैन्युफैक्चर होते थे उनमें ये एज ए कंपोनेंट के रूप में यूज में आता था। तो दोस्तों इसके मेन 3 यूजेस थे जो मैंने आपको बता दिए। अब बात करते हैं कि ये आपको अब कहां कहां मिल सकता है। तो दोस्तों जैसा मैंने आपको ये शुरुआत में ही बता दिया था कि ये जो रेड मर्करी होता है वो यार पुराने जमाने से मेरा मतलब है कि 1960 से 1990 के बीच में जो लकड़ी के शटर वाले ब्लैक एंड व्हाइट टीवी चला करते थे उनमें ये एज अ कंपोनेंट के रूप में यूज में आता था। यानी कि अगर आप उन दिनों के लकड़ी के शटर वाले टीवियों को खोल के देखोगे तो उनमें आपको एक रेड कलर की ट्यूब मिलेगी, और उस रेड कलर की ट्यूब में ही ये रेड मर्करी मौजूद होता है। तो यार अगर आपके पास वो लकड़ी के शटर वाला टीवी है तो समझ लो भैया कि आप अब करोड़पति बन चुके हो। तो दोस्तों उस करोड़पति बनने के चक्कर में आप अभी के जो ये एलईडी टीवी आ रहे हैं या फिर प्लास्टिक के बॉक्स वाले जो पुराने टीवी होते थे उनको आप तोड़फोड़ मत देना, क्योंकि यार उसमें तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो दोस्तों अगर आपके पास वो लकड़ी के पुराने शटर वाला टीवी है तो भैया
समझ लो। तो दोस्तों ये जो रेड मर्करी होती है वो इन लकड़ी के शटर वाले टीवियों के अलावा भी जो पुरानी वीसीडी मशीन होती है उनमें भी ये रेड मर्करी पाई जाती है। इसके अलावा जो 1940 से 1990 के बीच में पुरानी सिलाई की मशीनें बना करती थी उसमें भी ये रेड मर्करी आपको मिल सकती है। तो दोस्तों आपने ये तो समझ लिया कि यार ये रेड मर्करी होती है वो काम काज में आती है, ये कहाँ कहाँ आपको मिल सकती है। अब दोस्तों मेन पॉइंट पे आते हैं कि यार अब लोग इसको इतना ज्यादा क्यों भाव दे रहे हैं, यानी कि जो ये रेड मर्करी है उसको इस समय में क्यों इतना ज्यादा बेचा जा रहा है, खरीदा जा रहा है और ये इतनी ज्यादा व्हाट्सएप पे क्यों वायरल हो रही है। तो दोस्तों इसके बारे में मैं आपको सिंपली समझा दूं कि दोस्तों जो रेड मर्करी है उसको लेकर यार इस समय इंटरनेट पर सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा हवा बना हुआ है और इस हवा बनने की वजह से ही रियल मार्केट में इस रेड मर्करी की प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गई है। क्योंकि आपको पता है कि यार रेड मर्करी तो इस हवा बनने से पहले भी खरीदी जाती थी, बेची जाती थी, लेकिन इस समय क्या इंटरनेट पर बहुत ज्यादा इसकी बातें चल रही है, चर्चाएं चल रही है और जो ये रेड मर्करी है वो अचानक से ही वायरल हो गया है। तो इसके चक्कर में रियल मार्केट में भी इसके जो भाव है वो यार आसमान को भी फाड़ के, आसमान को भी चीर के निकल गए हैं। यानी कि इसके जो प्राइस है वो कभी लाख या हजार में थे और अब वो सीधा ही करोड़ तक पहुंच गए, और करोड़ भी एक दो करोड़ नहीं भैया, 5-10 करोड़ या फिर इससे ज्यादा भी। क्योंकि दोस्तों ये भी मैं आपको बता दूं कि लोग इसको बेच क्यों रहे, खरीद क्यों रहे, बेच तो इसलिए रहे क्योंकि यार एजेंट इसको मुंह मांगे दाम पर खरीद रहे हैं। मुंह मांगे से मेरा मतलब 5-10 गुना दाम पर खरीद रहे हैं। और बेच लोग इसलिए रहे क्योंकि यार आप सबको पता है कि इंटरनेट पर वो भी यार देख लिए होंगे कहीं ना कहीं से कि भैया ये रेड मर्करी इतनी ज्यादा वैल्यू की है, तो वो भी उसको इसी कीमत पर बेच रहे हैं। और जो एजेंट है वो यार इसका कोई काम नहीं लेते, ना इससे कोई न्यूक्लियर बॉम्ब बनाएंगे, ना ही कोई ब्लैक मैजिक करेंगे। हो सकता है एक आध कोई एजेंट यूज में ले ले, बाकी जितने भी एजेंट्स है वो यार सिर्फ अपना कमीशन कमाने के चक्कर में इसको अगले वाले जो वो नेक्स्ट किसी एजेंट को बेचते हैं, इसके लिए वो कमीशन कमाते हैं। यानी कि एक एजेंट दूसरे एजेंट को बेचता है, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, और इसी तरीके से ये मार्केट में घूम रही है। इसके अलावा और कुछ नहीं है दोस्तों, जो यूज है एक्चुअल तो मैंने आपको बता दिया, जो कि यार कुछ कुछ लोग ही इस पर्पस से इसको खरीदते हैं, बाकी जो है वो सिर्फ कमीशन के चक्कर में खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं। और जो प्राइस को लेकर यार बना हुआ टंटा है वो ये है कि भैया अगर आप गूगल पर इसकी प्राइस चेक करोगे तो गूगल आपको इस रेड मर्करी की प्राइस 1 से लेकर 10 करोड़ के बीच में आएगा। लेकिन ये जो प्राइस है दोस्तों मैं आपको बता दूं कोई फिक्स नहीं है। अगर आपका कोई खरीदार 5,000 में भी इसको खरीदने वाला मिल जाएगा ना, तो शायद आप उसको बेच भी सकते हो, और अगर कोई खरीदने वाला नहीं भी मिला तो भैया उसको आप 1,000 में भी बेच दोगे। यानी कि ये डिपेंड करता है कि खरीदने वाला कितनी ज्यादा बोली लगाएगा और आप उसको किस वैल्यूएशन पे बेच सकते हो। तो दोस्तों ये जो प्राइस को लेकर बना हुआ है ना हवा, ये भी कोई फिक्स नहीं है। इसकी जो प्राइस है वो लाख भी हो सकती है, करोड़ भी हो सकती है और होने को हजार भी हो सकती है। लेकिन जो आपको इंटरनेट पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी जा रही है ना, उसके चक्कर में आप मत फंसना, अपना टाइम भी वेस्ट करोगे और किसी एकात के चक्कर में यार अपना जीवन भी पता नहीं किस चक्कर में डाल लोगे। और जो यार आप लोगों के सामने आपकी इंसल्ट होगी, आपकी नॉलेज को लेकर इंसल्ट होगी, वो अलग ही है। तो दोस्तों ट्राई तो करिए लेकिन सीरियसली ट्राई मत करिए, मतलब आप किसी को तोड़ फोड़ मत दीजिए टीवी वीवी को। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने जान लिया कि ये रेड मर्करी आखिर काम किस में आती है, कहां कहां आपको मिल सकती है, क्यों इसका हवा बन रहा है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो यार प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल आपका अपना है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक और नए कमाल के एपिसोड के साथ, टिल देन बाय बाय।